अच्छा, आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। देखिए, जो क्वेरीज होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो कोर्स सीखते हो यूट्यूब से या किसी इदारे से, लेकिन जो क्वेरीज आपके माइंड में होते हैं उसको क्लियर आप नहीं करते, तो आप उसको प्रॉपर प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों ने जितनी भी यहाँ पर क्वेश्चन रेस की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वन बाय वन आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि आई एम न्यू बी इन दिस फील्ड। सो देखो, अगर आप न्यू भी हो ना, तो आप कोशिश करो कि आप प्रॉपर लर्निंग करो, यानी आप डायरेक्ट जो है ना, आप क्लाइंट के पीछे ना भागो, या जो है आप डायरेक्ट कोई बड़ा स्टेप ना लो। सबसे पहले इस मार्केट को स्टडी करो कि अमेजोन है क्या। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा वीडियोस मौजूद है यूट्यूब पे, राइट? तो आप देख लो कि अगर आप न्यू भी हो तो आप स्टार्ट करो कि व्हाट इज एक्चुअली अमेजोन, राइट? जो लेक्चर वन होते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग है, मेरे भी है, और भी बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स है जिसके लेक्चर वन है। तो आप उन लेक्चर वन को आप प्रॉपर स्टडी करो, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा देखो, तीन मरतबा देखो। ठीक है, उसके बाद लेक्चर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप हंटिंग करते हो, फिर सोर्सिंग करते हो, शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हो, बाय बॉक्स विल करते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा जो बैकएंड पे काम होता है ना, उसको आपने सीखना होगा। तो न्यूबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करो। आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, किसी इदारे से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो। ओके, टेक्सास एलएलसी प्राइस, आप जो हमारे टीम का नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे रब्ता कर सकते हो, आपको बता दें। सर, एक गुड प्रोडक्ट का मिनिमम जो नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? देखो, प्रॉफिट को ना देखो, मार्जिन को देखो। यहाँ पर लोग जो है ना, मार खाते हैं ज्यादातर। लोग प्रॉफिट देखते हैं कि हाँ, मुझे तो इस प्रोडक्ट में मुझे $5 $10 मिल रहे हैं, लेकिन देखते नहीं कि वो $5 आ रहे हैं इन्वेस्ट करने से जब आप $20 करते हो। तो अगर आप $20 पे $5 कमा रहे हो, इट्स ओके, लेकिन अगर आप $200 पे $5 कमा रहे हो, तो इट्स नॉट ओके। ठीक है, आप कभी भी ये ना देखो कि मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, आप हमेशा ये सोचो कि मुझे कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट? यानी एक प्रोडक्ट में मार्जिन है 20%, तो इट्स ओके। ठीक है, एक प्रोडक्ट में मार्जिन है 2%, 3%, इट्स नॉट ओके। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो तो मुझे भी उस दिन एक बंदे ने बताया था कि मैं एक प्रोडक्ट जब सेल करता हूँ तो मुझे $8 मिलते हैं। ओके, आप उस $8 को जो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो कितने इन्वेस्ट करने से मिल रहा है? तो मुझे कह रहा था कि मुझे तकरीबन सा $42 की $43 उसने मुझे बताया कि मैं $43 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उसमें $8 मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसको देखो कि यार मुझे कितना परसेंटेज मिल रहा है, यानी मैं $43 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे $8 मिल रहा है। अगर एक ओके है आपके हिसाब से तो दिन ठीक है, लेकिन अगर आप $40 इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ $2 मिल रहे हैं उस पर, तो इट्स नॉट। ठीक है, आप मार्जिन पे देखो, मार्जिन कम से कम होना चाहिए, कम से कम 10% तो होना चाहिए। ठीक है, तो 10%, 12%, 15%, 20%, इस तरह हो सकता है। हाउ टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन नॉट बाई कीपा टू मेक वन वीडियो? इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस है कि अगर आप कीपा पे नहीं कर सकते तो आप स्पाई मेथड से कर सकते हो। यानी आप एक अच्छा प्रोडक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हो, आप डायरेक्टली जाओ एक ऐसे स्टोर पे जो कि बिल्कुल न्यू हो। ठीक है, एक रेटिंग, दो रेटिंग, तीन रेटिंग, 10 रेटिंग तक आप जा सकते हो। तो फिर उस स्टोर में देख लो कि उसमें प्रोडक्ट्स कितने हैं। अगर उसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं उसमें से 10 से कम प्रोडक्ट्स है, यानी 5 10 प्रोडक्ट्स उसमें है, तो उस 5 10 प्रोडक्ट में से आपको इंशाल्लाह 50 से 80% चांस है कि आपको उसमें ही विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी। बिकॉज एक न्यू स्टोर जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट को ही लॉन्च करेगा, क्योंकि गलत प्रोडक्ट को वो लॉन्च नहीं करेगा। तो अगर वो 10 प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो उसमें से 5 6 7 प्रोडक्ट अच्छी ही होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकते हो, यानी की पास है, फिर ये स्पाई में फिर बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। ओके, इंशाल्लाह वी विल विजिट योर ऑफिस सो। ओके, वेलकम। हमारा सिर्फ एक ही ऑफिस है और वो पेशावर में है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आपका और किसी, हमारा भी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम अपने ब्रांचेस को बढ़ाए, बिकॉज वर्कलोड इतना ज्यादा है कि हम इसको भी मैनेज नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन रिसेंटली अभी हमारा कोई भी, सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो ही पेशावर में, यूएसटी टाउन। ओके सर, व्हिच इज द बेस्ट वे टू हंट प्रोडक्ट? क्या हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर ले, फिर उसके प्रोडक्ट निकाल ले, या फिर हम कीपा के थ्रू जो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूटर निकाल ले? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो,
लाइफ में कुछ रूल्स फॉलो करो, यानी जो परसेंटेज ना 100% है, ठीक है, 100% में आप जो है 80% पहले डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो, फिर उसके प्रोडक्ट फाइंड करो, 20% जो है पहले प्रोडक्ट फाइंड करो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड, यानी इस तरह मैं कभी नहीं कह सकता कि ये वाला तरीका बेस्ट है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आप जो है जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो 80% करो, जो तरीका आपको बिल्कुल नॉर्मल रहा है उसको 20% अप्लाई करो, यानी मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो और सेलर फाइंड करो, ब्रांड फाइंड करो, ठीक है, उसके बाद उससे अप्रूवल लो, उससे शीट लो, उससे मैन्युअली हैंडल करो, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है, 20% जो है अपना टाइम इस पे इन्वेस्ट करो कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करो, उसके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, उस तरीके से भी मैंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट फाइंड किए हैं, बहुत अच्छे सप्लायर फाइंड, तो दोनों बेस्ट है, लेकिन कौन सा सबसे बेस्ट है उसको टाइम ज्यादा देना चाहिए, 70-30 करो, 60-40 करो, या 80-20 करो, आपकी मर्जी, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं जानते, जो सप्लायर आपको वेबसाइट देता है या आपको शीट देता है, ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं सर कि इसके साथ तो शीट नहीं है, मैनुअल में इसको किस तरह ऑन करूं, तो बोर हो जाते हैं, बिकॉज चीज इनके लिए अभी इतने आसान हो चुके हैं ना कि वो उसको वो मुश्किल काम बहुत ज्यादा वो नहीं करता कि यार मुझे बस शीट दो, सप्लायर को कहते हैं कि और मैं हंटिंग नहीं कर सकता मैं। तो देखो शीट पे जो है ना वो सिर्फ आपको शीट नहीं देता, उसके पास और भी 100-1000 लोग और होते हैं उस सप्लायर के पास, उनको भी शीट देता है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, लेट सपोज वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर, तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ आपको शीट देता है, क्या उसके पास हजारों ऐसे कस्टमर नहीं होंगे जो उसको भी वो शीट देगा, क्या उस हजारों कस्टमर में से उसमें से 500 भी ऐसे कस्टमर नहीं होंगे जो कि अमेजोन पे काम कर, चलो 500 भी छोड़ो, 200 भी नहीं होंगे, तो यानी 200 वो होंगे एक और आप होगा, ठीक है, तो कितने होंगे, 201 लोग को वो शीट जाता है, तो वो 201 लोगों में शीट जो जाता है तो उसमें से वो अपने लिए प्रोडक्ट को फाइंड करता है थ्रू स्कैन अनलिमिटेड या थ्रू की का, तो क्या होता है उसमें से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए होता है बिकॉज उस शीट को 200 लोगों को और भी दिया, तो आपको चाहिए कि आप ऐसा तरीका इख्तियार करो कि सिर्फ शीट के पीछे ना भागो, ज्यादातर जो सप्लायर होते हैं वो आपको वेबसाइट देते हैं, तो वेबसाइट हम स्किप करते हैं बिकॉज उसकी वजह से हम मार खाते हैं। मैं अगर आपको खुद का कहूँ कि मैंने स्टार्ट में अमेजोन के लिए जो हंटिंग की थी ना वो सारी मैनुअली ही की, क्योंकि मैनुअल में कंपटीशन नहीं होता, सारे लोगों को बस एक हलवा चाहिए कि यार बस मुझे जो है ना शीट दो उसको मैं स्कैन करूं, मुझे बस ज्यादा काम नहीं चाहिए, मुझे बस 5-10 मिनट का काम चाहिए कि इसमें से मेरे अपनी ये प्रोडक्ट फाइंड करो, आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन उसमें से आपको अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं तो 15% से 20% आपका चांस है कि उसमें आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज उस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं, अगर विनिंग प्रोडक्ट मिल भी चाहिए तो आउट ऑफ स्टॉक होगा, ये वो लोग ये बात वो लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे काम करते हैं, राइट। तो आप लोग शीट को भी करो, आप लोग जो मैनुअल तरीका है ना उसको कभी ना छोड़ो, यानी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैं बोल हाँ यूनिवर्सल होलसेल ऑनलाइन, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो उस पे बहुत बेतहाशा प्रोडक्ट्स है, अब मुझे लोग कहते हैं कि सर ये तो शीट नहीं देता, अरे भाई शीट नहीं देता तो उसको मैनुअली करो ना, अच्छा कितने प्रोडक्ट्स होंगे, 1000 होंगे, 500 होंगे, 2000 होंगे, तो करो ना, दिन में 100 प्रोडक्ट्स करो, दिन में 200 प्रोडक्ट्स करो, 300 करो, आप करते क्या हो, सर मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा आपके पास किस लिए टाइम है, किस चीज के लिए टाइम है, टिकटॉक के लिए है, इसके लिए नहीं, तो फिर हम लोग इसमें जो है ना अनसक्सेसफुल इसलिए होते हैं, फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो चीजों को टाइम नहीं देते, तो आप मेन तरीके पे काम करो बिकॉज उस पर कंपटीशन नहीं है, यही गैप होता है जो कि आपने फिल करना होगा अमेजोन में, अमेजोन में जो है ना स्मार्ट वर्क काम करता है, स्मार्ट वर्क डजंट मीन कि आपको शीट मिलता है बस स्मार्ट वर्क है जल्दी जल्दी स्कैन करो, स्मार्ट वर्क ये भी है कि एक जगह पर कंपटीशन नहीं है आप उसमें एंटर हो जाओ, यानी ज्यादातर लोग वो नहीं चाहते कि मैं मैनुअली चीजों को हंट करूं, मैनुअली आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो आपको शीट के थ्रू नहीं मिलेगा, वरना आज करके देखो हाँ टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा आपसे, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा, और कितना टाइम लेगा, 2 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे, हम स्कूल कॉलेज में इतना टाइम लगाते हैं ना, और एट द एंड जो रिजल्ट हमें मिलता है वो 20-30 हजार की नौकरी की ही मिलते हैं, तो अगर हम 16 साल वहां पर लगाते हैं तो क्यों ना हम 1 साल या 5 महीने या 1 महीना 2 महीने यहाँ पर लगन अपनी लाइफ सेट करें, ठीक है, वहां पर हम टाइम दे सकते हैं, टिकटॉक पर हम टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आ जाए तो वहां पर टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज चीजें बोरिंग हो जाती, सही है। तो बात कहने का मकसद ये था कि आप मेनुअली पे भी काम करो, आप जो है शीट पे भी काम करो, मेनुअली को कभी ना छोड़ो, बस ये मेरा आपको एक टिप है, ठीक है।
ये प्रेप क्या है? अच्छा, प्रेप सेंटर जो है ना, आप जब माल लेते हो सप्लायर से, वो आप शिप करते हो किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो लेबल करता है या वो पैकिंग बनाता है, ठीक है? बाज़ औक़ात अमेज़न पे पैकअप 2, 3, 4 बिकता है और सप्लायर आपको पैकअप 1 देता है, तो उसको पैकअप 4 भी करना होता है, उस पर लेबल भी लगाना होता है और भी कुछ चीजें करनी होती है। तो आप उसको एक जगह पर बेचते हो, उस जगह को 3PL भी कह सकते हो, उस जगह को प्रेप सेंटर भी कह सकते हो, ठीक है, जहां पर लेबल वगैरह क्रिएट करते हैं, आप लगाते हैं। चलो, वो इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, इस नंबर पे मैसेज भी किया है बट नो रिप्लाई। अच्छा, रिप्लाई इसलिए, असल में आज इस वक्त हमारी रिप्लाई बहुत ज्यादा लेट हो रही है, बिकॉज इतनी मैसेज आते हैं यूट्यूब, जो नंबर मैंने आपको दिया है, तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे अपनी भी बहुत ज्यादा काम होते हैं हमारी टीम की, तो जिसकी वजह से वो रिप्लाई बहुत ज्यादा लेट होता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले माजरत, और रिप्लाई तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, हाँ थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन जरूर रिप्लाई मिलेगा। और इंटर्नशिप के लिए अभी हमारा जो है ना पिशावर में तो फिजिकल ऑलरेडी चल रहा है, और ऑनलाइन पे अभी काम हो रहा है, इंशाल्लाह सुन हम आपको अपडेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करें आप लोगों को कि आपको मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आप में हो जाए, इस तरह नहीं कि सिर्फ हम आपसे पैसे ले और आपको काम ना करें। हमारा जो सबसे मेन मकसद होता है कि अगर आप पैसे भी दोगे तो हम उस पैसे के बदले में आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है? तो हम उस वैल्यू पे कुछ सोच रहे हैं कि हम किस तरह आपको वैल्यू पर, किस तरह अगर हम आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप दे रहे हैं तो किस तरह हम आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें ताकि कुछ ना कुछ आपका एक मंथ में कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। उस चेंजिंग के लिए हम मतलब बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह करें। तो अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह सून हम स्टार्ट करेंगे। फिर भी आप जो हमारी टीम है, वो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप इससे रब्ता किया करो, एक हफ्ते बाद उससे पूछ लो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप का क्या होना। तो इंशाल्लाह हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं, हम तरीका बना रहे हैं कि जो शावर नहीं आ सकता फिर किस तरह वो ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकता है, किस तरह वो चीजों को आगे प्रोसीड कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किस तरह हम बेस्ट तरीके से आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करें, वरना हम तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जब तक हम फाइनल हो जाए कि यार हाँ अभी हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोगों को, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज याद रखो, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, आप कोशिश करो, अगर पंजाब से हो तो वहां पर देख लो, इनेबलर्स भी है, एक्सट्रीम कॉमर्स भी है, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर जो वहां पर इंटर्नशिप करो, ठीक है? बिकॉज इंटर्नशिप के बगैर आप कुछ भी नहीं हो, ये मैं आपको ये बात तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने भी अमेजोन का कोर्स तो किया नहीं है, मैंने यूट्यूब से सीखा है, बहुत धक्के कहा कि सीखे है, लेकिन जो इंटर्नशिप है ना वो आपका जो स्ट्रक्चर है ना अमेजोन का, वो सब कुछ चेंज कर देता है, यानी आप बिल आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इंटर्नशिप। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको प्रोसीड किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? यानी सिखाने वाले की इंपॉर्टेंस नहीं होती, सीखने वाले की इंपॉर्टेंस होती है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप इसको किस तरह लेते हो। ज्यादातर लोग फेल भी हो जाते हैं, मेरे एजेंसी में बहुत ज्यादा लोग आए हैं, वो लोग भी फेल हुए लेकिन बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो वो सक्सेस उसके अंदर होता है, बाहर नहीं होता। हम किसी को कामयाब नहीं कर सकते। अगर कोई आए कि सर मैं सर लिहाज के पास जा रहा हूँ कराची से पेशावर तो वो मुझे कामयाब करे, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। कोई लाइफ में किसी को कामयाब नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखो। लाइफ में अगर आपने कामयाब होना है तो वो एक ही बंदा कर सकता है, और आप ही हो, ठीक है? कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता, मैं भी आप लोगों को कामयाब नहीं कर सकता। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि यार इस डायरेक्शन पे जाओ, इस डायरेक्शन में मैं गया हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हूँ इस डायरेक्शन। तो वो जो डायरेक्शन है वो मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन मैं आपको कामयाब नहीं कर सकता। कामयाबी आपके अंदर होती है, बाहर नहीं होती, राइट? तो इस चीज को आप याद रखें। तो आप अगर इंटर्नशिप करते हो किसी इदारे से, ठीक है, तो वो ये ना देखो कि मुझे वो इदारा कामयाब करेगा, आप उसकी रिसोर्सेज यूज करो और खुद अपने आप को कामयाब, ठीक है? हाउ मनी यू चार्ज इन टेक्सास? अच्छा, वो तो मैंने बताया है ना, हमारे जो टीम है उससे कॉन्टेक्ट करो, आपको बता देगा। अच्छा सर, मैंने सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन मुझे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा मोबाइल पर, क्या करूँ? अच्छा, ये इशू तो आ रहा है, ओटीपी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि वहां पर गूगल जो ऑथेंटिकेटर है ना वो अप्लाई करो, ठीक है? वो कर दो तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते तो फिर जो US का नंबर होता है वर्चुअल, वो अप्लाई करो, तो दोनों बेस्ट है, पाकिस्तानी नंबर पर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल। अच्छा, न्यू वीडियो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊं, बिकॉज टाइम अभी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, लोग इतने आ रहे हैं ऑफिस में तो बहुत ज्यादा कम टाइम मिलता है। तो पहले तो आप इतने लोग नहीं आते थे तो मैं फ्री होता था, मैं वीडियो बनाता था। जब मैं ऑफिस आता हूँ, फिर ऑफिस से जब मैं जाता हूँ 7 बजे 8 बजे, तो फिर वहां पर बंदा थक जाता है तो वीडियो नहीं बना सकता।
मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। और अभी भी वो ज्यादा नॉलेज हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं शेयर करूं। जो मैंने शेयर किया है ना वो तो 5-10% भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो 90% और है ना वो भी मैं अपलोड करूँ, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपलोड किया करूँ। ओके, कैन यू गिव न्यूट्रलाइज एड्रेस? हाँ हाँ बिल्कुल, एड्रेस सब चीजें आपका परफेक्टली होगा, फिक्र ना करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना माशाल्लाह। अच्छा, आप कोशिश करो कमेंट्स में सवाल पूछो, तो कभी तो आपको जवाब मिल जाएगा ना। आप आई जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग योर वीडियोस, रियली हेल्पफुल। आई वॉन्ट टू नो सम ऑफ द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आस्क क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन विद। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप किसी से अकाउंट बनाते हो ना सप्लायर से, जो अच्छे सप्लायर होते हैं वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है क्रेडिट कार्ड का या जो क्रेडिट कार्ड का या की कोई जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे, तो आप उसको दियो, ठीक है। लेकिन ये पहले रियलाइज करो कि हाँ ये ऑथेंटिक है भी कि नहीं। इस तरह नहीं है कि आपको एक फ्रॉड किया कि मुझे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दो, राइट, और आप उसको इन्फॉर्मेशन दो फिर आपको कि सबने तो बताया था कि वो आप दे सकते हो। नहीं, आप जो है पहले देख लो कि ये ऑथेंटिक है भी कि नहीं। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद है कि हाउ टू फाइंड ऑथेंटिक सप्लायर्स, राइट। तो वो देखो फिर उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन दो। इंफॉर्मेशन तो आप दोगे, पहले वो पैसे काटेंगे फिर उसका आपका जो ऑर्डर है वो शिप हो जाएगा, राइट। तो आपने ये इंफॉर्मेशन देना होगा इफ अगर जो सप्लायर है वो ऑथेंटिक हो तो। अच्छा सर, इज वे हाउ डिस्ट्रीब्यूटर कैन गिव अस अप्रूवल बिकॉज वी हैव एन एलएलसी। देखो, अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो आपको अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? अगर देगा भी तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आपके अप्रूवल देंगे जो कि काम की नहीं होती। सॉरी, ओके, वी हैव एन एलएलसी। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है ना तो क्या होगा, आपको तो जो अप्रूवल मिलेंगे वो भी वो जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो नहीं होंगे। जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपसे एलएलसी की डिटेल मांगते हैं, यानी आपको अगर एलएलसी की डिटेल मिल भी जाए, सॉरी जो अप्रूवल है वो मिल भी जाए, तो वो ऐसे सप्लायर होंगे जो कि अच्छे नहीं होंगे, उसमें से अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं होगा। मिल सकता है लेकिन उसकी चांस बिल्कुल 1% है, राइट। तो अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हो तो इसके लिए एलएलसी मस्ट है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, अगर आपके पास है नहीं तो फिर क्या करें? मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है कि अगर आपने अमेजोन का कोर्स किया है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है। उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट और कुछ ईमेल वगैरह बताए हैं कि आप इसको फॉलो करो, ठीक है। और उसको इंशाल्लाह आपको इतना हो जाएगा कि जस्ट इंटर्नशिप पर्पज के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी कि नो आप इस तरह कर सकते हो प्रोसीड, राइट। तो अगर आपको प्रॉपर काम करना है तो मैंने अगेन बता रहा हूँ आपको कि किसी एजेंसी में जाओ, एजेंसी में काम करो, वहां पर आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदा आपको एनवान हो जाएगा, आपको एजेंसी की डिटेल मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी। मेरे पास यहाँ पर इंटर्नशिप के जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि सार को मैं क्लाइंट दूँ, लेकिन क्लाइंट मैं उस बंदे को देता हूँ कि जो मतलब काम करना जानता हूँ, क्योंकि क्लाइंट तो मुझ पर ट्रस्ट करता है ना। मैं ऐसे बंदे को ढूंढता हूँ जो कि अच्छा मतलब काम करने वाला हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो, फ्रेंड से अच्छी बातें करता हो, ठीक है, उसको कन्विंस कर सकता हो। तो अपने आप को पहले केबल बनाओ, केबल आप तब बन सकते हो जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, ठीक। यूके डिस्ट्रीब्यूटर पे वीडियो बना दो एक। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन यूके डिस्ट्रीब्यूशन पर मैं इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है, जितना भी एक्सपीरियंस है हमारा वो यूएसए पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड लॉट ऑफ अच्छा सर, अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आए जिसे एबीएम कर एबीएम हो, अगर ऐसा बंदा हो आपके पास, एक ऐसा क्लाइंट आ जाए कि वो एबीएम भी करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे इस सूरत में? आप तो एबीए सिखा रहे हो हमें। देखो, एबीएम और एबीए इतना इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एबीए में जो है आप अमेजोन को शिप करते हो, अमेजोन
खुद पिक पैक एंड शिप करता है। आईपीएम में जो है वो आप सब कुछ खुद हैंडल करते हैं। तो उस पर वीडियोस देखो ना, बहुत ज्यादा वीडियोस मौजूद है कि हाउ टू डू एफबीएम, राइट। तो बहुत इजी होता है कि बस उसमें ऑर्डर आपने शिप करना होगा, बिल्कुल इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप नॉलेज गेन करो एफबीएम की और देन स्टार्ट करो, एफबीए भी सीखो एफबीएम भी सीखो, कोई इसमें इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। व्हाट्स द प्राइस ऑफ शीट 500 सप्लायर लिस्ट, वो आप नीचे पूछ सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। कैन यू शेयर नेम ऑफ क्रोम एक्सटेंशन एंड हाउ टू एडिट प्लीज। क्रोम एक्सटेंशन में सिरस प्राइड बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, ठीक है, और इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद है कि आप लिख लो क्रोम एक्सटेंशन बाय लिहाज खान, तो इस पे दो वीडियोस है और बहुत ही अच्छी जो मैंने एक्सटेंशन बताए हैं, आप इसको डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इंशाल्लाह उस पर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट यू। अच्छा, हमारी सेल्स टीम का नंबर है, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ साहब, व्हाट्सअप प्लीज, व्हाट्सअप मैं बहुत यूज नहीं करता ना यार, वो टीम यूज करती है, लेकिन खैर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हो वो फिर आप पूछ सकते हो, मुझे बता देते हैं। जो भी आप व्हाट्सएप पे जो भी बात करते हो ना, वो सब मैं खुद चेक करता हूँ। सुबह जब मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ तो मैं सारे व्हाट्सएप चेक करता हूँ, आप फिक्र ना करें, आप पूछ सकते हो कोई भी सवाल। और स्टार्ट में इस तरह ना कहो, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि हाय सलाम, तो ठीक है आप सलाम कर दो, फिर उसके बाद अपना जो क्वेरी है वो भी बता दो। अब मैं जो आपको रिप्लाई करता हूँ तो वो 10 घंटे बाद तो रिप्लाई आता है, वालेकुम सलाम, फिर जो है वो फिर मैसेज करता है कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तो फिर मैं एक 10 घंटे बाद फिर, तो आप भाई सलाम कहो फिर नीचे अपना जो क्वेरी है वो पूछ लो कि भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये क्वेरी है या ये जो हिसाब किताब है, ये कर दो, फिर मैं उसको जवाब दे दूंगा। तो फिर सलाम, फिर मैं आपको जो क्या सवाल पूछ सकता हूँ, तो ये इस तरह नहीं होता ना, फिर बंदा तंग हो जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा करो। अच्छा, जस्ट हैव अ क्वेश्चन, विच शिपमेंट इज द फास्टेस्ट, अमेजोन पार्टनर शिपमेंट। अच्छा, जो अमेजोन का शिपिंग कोरियर है ना, वो हमेशा रहो, ठीक है। जब आप सप्लायर से शिपमेंट करते हो अमेजोन, या फ्रेट सेंटर से शिपमेंट करते हो अमेजोन, तो आप कोशिश करो कि आप यूपीएस सेलेक्ट करो, यूपीएस अमेजोन का पार्टनर है, ठीक है। उसकी प्राइसिंग भी कम है, वो गारंटी भी लेते हैं, उसकी शिपिंग भी फास्ट है, आपकी इन्वेंट्री भी जल्दी लाइफ होगी, तो उसके फायदे बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप जब भी करते हो तो 95% यूज करो, बल्कि 100% यूज करो अमेजोन का कुरियर पार्टनर। सर मजा आया आपकी क्लास, क्रिएशन डेट प्रोडक्ट की कितनी पुरानी होनी चाहिए। देखो वो तो डिपेंड करता है, कम से कम एक्सपायरी डेट, आई थिंक एक्सपायरी डेट की बात कर रहा है, तो वो कम से कम 6-7 महीने होनी चाहिए, क्या 6-7 महीने में आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, 1 साल या 6 महीने तक चाहिए। द वन इज गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कम से कम प्राइस होनी चाहिए, जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना आपका मार्जिन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप सेनेल प्रोडक्ट सेल करते हो वो भी गुड टू गो है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, आप कोशिश करो 20 से ऊपर के प्राइस पे चले जाओ, ठीक है। तो वो अगर आप एक पीस सेल होगा तो आपको $2-3 इजी तरीके से मिल सकते। तो मैं तो खुद जो क्राइटेरिया इस्तेमाल करता हूँ, मैं 30 से ज्यादा जो सेल प्राइस है वो मैं उसको रखता हूँ। आप इस तरह ये ना करो आप लोग कि आप 30 पे जाओ, वो तो मेरा अपना क्राइटेरिया है, आप 12 पे जा सकते हो, 15 पे जा सकते हो, 16 पे, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है। सर कैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल फोकस नहीं है, आसानी से मिल रहा है ना इस तरह ये है ना कि जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ ना, तो ज्यादातर लोग इससे फायदा भी नहीं उठाते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको, चलो छोड़ बस, ये फ्री है ना इसलिए कोई इसकी कदर नहीं करता। तो कोशिश करो जो बंदा कदर जानता हो ना, तो वो ये वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकता है, उसको कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बिलावज आप पैसे जाया ना करो, यही से आपको सब कुछ कर सकता है, या उसके लिए पे करना होता है। देखो होलसेलर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्रूव देता है, वो आपसे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं करता, ठीक है। सर हमसे डेटा मैनेज नहीं हो रहा, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर है, बट हम ये पता नहीं लग रहा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को मेल। हाँ अच्छा, देखो आप जो है इसको प्रॉपर मेल
मैनेज करो। मैनेज किस तरह करते हो कि आप जब 10 मेल करते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स भी उसमें से 2 3 4 करते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करो ना। अगर आप 100 मेल करते हो, 50 मेल करते हो, तो फिर आप और मेल ना करो, आप जो है उस मेल को रीड करो, फिर उसको जवाब दो, उसके बाद और मेल्स करो। नहीं, हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हमारे पास तो मेल्स आते हैं, हम फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करते हैं करते हैं करते हैं, तो वो जितनी हमसे पीछे जो रह जाते हैं ना, उसको हम फोकस ही नहीं करते। तो आप इस तरह करो कि आप अगर आपके पास 50 मेल आ चुके हैं, तो उस 50 को पहले मेल करो, उसको फॉर्म सबमिट करो, वो जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करो, उसके बाद और मेल्स करो, फिर उसका जवाब दो, फिर उसके बाद और मेल्स करो। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। सर, फुल एक कोर्स का वीडियो दे उसे, वो फ्री नहीं है ना, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है, ठीक है। बस यूट्यूब में फ्री है, ये सीख लो। अमेजोन एक फुल, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ अमेजोन। अबे इतना नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे हैं पिशावर में भी। बस उससे भी नॉलेज गेन करो, हमसे भी करो और इसे भी करो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं पिशावर में। आई हैव माई LLC नाउ, आई नीड अप्रूवल, आई हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन होलसेल FBA। सवाल, हाउ टू गेट ब्रांड अप्रूवल ब्रदर, प्लीज आई एम न्यूबी। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस है कि आप कौन से ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट करोगे और किस तरह वो आपसे जो है वो आपको मतलब रिस्पॉन्स किस तरह करेगा, किस तरह आप उसको कन्विंस कर सकते हो, किस तरह या किस किस्म के ब्रांड के साथ आप जा सकते हो, तो इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस है ना, वो देख लो। अच्छा, अभी एक वेबसाइट पे मैं, ये सब स्कैमर है सर जो आपने वेबसाइट शो की है। देखो, मैंने तो आपको बताया है कि ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, फिर आप उसको खुद देख लो कि आया इसमें से ऑथेंटिक कौन सा है। उस पर मेरी वीडियो से वो देख लो, फिर उसमें से रिसर्च कर लो, ठीक है। ये जो वेबसाइट में शेयर कर रहा हूँ ना, ये होलसेलर की, ये तो मैं जस्ट न्यूबी के लिए शेयर कर रहा हूँ कि वो स्टेप्स ले। आप इस तरह नहीं कि एक्सपर्ट बंदा भी इस पे लग जाए, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए एक अपनी वो एक्सपर्टीज है उसकी, ठीक है, वो खुद निकाल सकता है। ये जो मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कर रहा हूँ ना, ये तो मैं जस्ट न्यूबीज के लिए कर रहा हूँ यार, आप इससे थोड़ा फायदा लो। क्या स्टार्ट में हमें एक भी सप्लायर नहीं मिल रहा था, कोई दे ही नहीं रहा था हमें, कोई कैटेगरी भी नहीं बता रहा था कि यार आप इस कैटेगरी में जाओ, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को मुश्किल हो, जो न्यूबीज है कम अज कम स्टार्ट तो लेना। सर, आप इट्सी के बारे में इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें मैं काम नहीं करता हूँ ना, उस पर मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, क्योंकि जो चीज मैं खुद नहीं करता, मैं आप लोग को कभी नहीं सिखा सकता। सर, आपने कि हमारी इन्वेंट्री खुद अमेजोन की वेयरहाउस भेजेगा, लेकिन अमेजोन के अंदर शिपमेंट प्लान कोई बनाए? देखो, जब आप सप्लायर से माल लेते हो ना, तो वो जाता है शिप प्रेप सेंटर, ठीक है। प्रेप सेंटर के पास जब चला जाता है, तो प्रेप वाले आपको डायमेंशन देते हैं, वो डायमेंशन आप पुट करो, फिर आगे जब आप प्रोसीड करोगे, तो वहां से जो है अमेजोन का जो एड्रेस है, ठीक है, वेयर हाउस का, वो लो और जो प्रेप सेंटर है उसको दे दो, ठीक है। तो प्रेप सेंटर वाले वही जो एड्रेस है उस पर शिप कर देगा, राइट। मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट चाहिए, 500 सप्लायर वाला, आप कॉन्टेक्ट करो हमारी टीम से। वायुमिंग का एजेंसी कैसा है होलसेल के लिए? बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर आपने रिन्यूअल फी देना होगा, ठीक है, हर साल। तो बजाय कि आप वायुमिंग पे जाओ, तो फिर टेक्सास इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें कोई रिन्यूअल फी नहीं है, फिर हर साल आपने देना होगा। एक वन टाइम फीस आपसे थोड़ा ज्यादा लग जाएगा होल टेक्सास पे, लेकिन पूरी उम्र के लिए आपसे वो कभी रिन्यूअल फीस नहीं मांगी। ओके, और भी बहुत ज्यादा सवाल है, लेकिन कोशिश करो आप जो अच्छी सवालात होते हैं ना, वो पूछा करो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके मैं जवाब आप दूं। अभी मैं एक इस तरह की सीरीज बनाने जा रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक या हर मंथ मैं आप लोग के कमेंट सेक्शन देखूंगा, उसको मैं प्रॉपर रिप्लाई करूंगा।